12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद पंचायत काला पीपल द्वारा आयोजित रोजगार कैंप में मारुति सुजुकी मोटर्स कंपनी गुजरात एवं नव भारत फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी के द्वारा कुल 19 बेरोजगार का चयन किया गया। रोजगार कैंप में क्षेत्र के 75 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के द्वारा पंजीयन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्ध गोपाल वर्मा, जिला प्रबंधक कौशल एवं उन्नयन बलवंत शितोले की गरिमामय उपस्थिति में युवाओं को उचित मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आजीविका मिशन ब्लॉक प्रबंधक दीपक महंत बैरागी, पवन कुमार कदम, वर्षा कुशवाहा, सचिदानंद कुशवाहा, अरविंद मेवाड़ा व विनोद मेवाड़ा समस्त आजीविका मिशन टीम का सहयोग रहा। शाजापुर से कैमरामैन फूलचंद अहिरवार के साथ मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई के संबंध मतलब जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा 9 साल का वो आईटीआई के बराबर ही माना जाता है। हम लोग जनरली आईटीआई का कोर्स करते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता इतना होता है, यहाँ पे मारुति का रास्ता है वहाँ पूरा आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा। 2 महीने का क्लासरूम ट्रेनिंग है आपका, 2 महीने क्लासरूम का 22 महीने का पूरा आपको वर्कशॉप में काम सीखना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, काम का काम सिखाया जाएगा और हमें स्टैंडर्ड दिया जाएगा, पैसा नहीं दिया जाएगा वहाँ पे, थोड़ा बहुत नहीं दिया जाएगा। आप सुनने पड़ा होगा 10,150 रुपये आपको मिलेगा। फिर कंपनी की वहाँ पे कैंटीन है, मैस है, बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा है, वहाँ पे आपको वहाँ रखा जाएगा और कैंटीन में आपको भोजन की सुविधा, नाश्ते की सुविधा और चाइना की व्यवस्था मिलेगी, पर उसका आपका चार्ज कटेगा, आपको पैसा खर्च नहीं करना है। पर जो आपको स्टाइपेंड आपका जो मासिक अटेंडेंस होगी, आप 3 दिन जाएंगे, पूरा दिन आपका जो अटेंडेंस होगा क्लासरूम में, उसके अटेंडेंस का आपको 10,200 रुपये जो पैसा मिलेगा, उसी पैसे में से ट्यूशन जो भी चार्जेस है, सर से मेरी बात नहीं थी, मैंने बताया लगभग 3,000 से लेकर 3,400 रुपये तक आपका पैसा वहाँ पे कटेगा, लगभग 7,200 से 7,300 रुपये फिर भी हमारे हाथ में मिलेगा। और अगर हम लोग यहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है कि जो पढ़ाई के साथ में पैसा भी दे रही है, मतलब हमें अहमदाबाद जैसे शहर के अंदर मेट्रो सिटी कॉलेज है, अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है, अहमदाबाद जिले में ही बहरा की जगह है, वहाँ पे वर्कशॉप है मारुति सुजुकी का, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग के साथ आपको रैली की सुविधा होने और काम का काम सिखाया जाएगा। तो अभी सर के द्वारा आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा, स्क्रीनिंग मतलब आपकी योग्यता को चेक किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, रस्तों के लिए आपकी उम्र देखी जाएगी, एक्सपीरियंस आपको कितना खर्चे वो देखा जाएगा। उसके बाद सर आपका एक बर्बर एक माउथ टू माउथ आपका टेस्ट भी लेंगे, है ना, फिर जिनका कलेक्शन होता है फिर आगे वो रिटर्न टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर रिटर्न टेस्ट के बाद में जिनका लास्ट टेस्ट नहीं होता है उनको डेट दी जाएगी, आपको किस तारीख को क्या डॉक्यूमेंट लेके अपने क्या सामान लेके आपको अहमदाबाद के रवाना और कैसे रवाना होना है। आप जितने भी कैंडिडेट आए हैं जिनका स्क्रीनिंग होता है, आप जितने भी लोग सारी चीज़ें क्लियर करके जाइएगा, मन में कोई डाउट लेके नहीं जाइएगा, ठीक है। सर का काफ़ी लंबा सेशन रहेगा, अभी आपका स्क्रीनिंग वगैरह टेस्ट वगैरह एग्जाम वगैरह मिलेंगे, तो मैं सर से ही आवेदन निवेदन करता हूँ कि कार्य की प्रक्रिया आपकी शुरू करें और किसी के मामले में प्रश्न जरूर पूछ के जाइएगा।